वेलकम टू माय चैनल बीके बंगाली ब्लेस कुकिंग। आज हम बनाएंगे हंडी चिकन। उसके लिए हम आधा किलो चिकन ले लिए और खड़े गरम मसाला ले लिए, और हम 250 ग्राम प्याज कट कर लिए हैं, और ले लिए 3 समोसा लहसुन ले लिए, और एक आधी नींबू ले लिए, हरी मिर्च ले लिए, और लहसुन को हम कूट लिए हैं। लहसुन को आपको कूट लेना हंडी चिकन बनाने के लिए। और ले लिए लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और ये ले लिया गरम मसाला, और हरा धनिया काट कर लिए हैं, और ले लिए हैं सरसों की तेल, और एक ले लिया मटका जिसके अंदर हम हंडी चिकन बनाएंगे। अब चिकन के अंदर प्याज को ऐड कर देंगे कटी हुई, बाकी समोसे लहसुन और हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ऐड कर देंगे कुटी हुई लहसुन, और मसाला को भी ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर को, जीरा पाउडर को, और खड़ी गरम मसाला को भी ऐड कर देंगे। खड़ी गरम मसाला में हम एस्टर फॉल लिए हैं, और दालचीनी लिए, जीरा लिए, लौंग दिए हैं, इसमें इलायची डाल दिए। बस खड़ा मसाला डालने से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आएगा। अब इसको हाथ के सहारे से बढ़िया से मैरिनेट कर लेना पड़ेगा आपको, कम से कम 10 मिनट तक का। आप तेल डाल के हल्का मैरिनेट कर लेंगे, और पहले हम इसलिए तेल नहीं ऐड किए थे क्योंकि प्याज ज़्यादा होता है ना, नमक से वो कर लेंगे तो नरमपन आ जाते हैं। अगर डायरेक्ट हम प्याज डाल उन तेल डाल देते तो उसमें मैरिनेट करने में बढ़िया बनते ना। अब नींबू निचोड़ देंगे इसके अंदर। नींबू से क्या होगा, जो चिकन करी जो कच्चेपन के झार आते हैं वो नहीं आएगा, आपकी चिकन में बहुत बढ़िया खुशबू आएगा। देखिए मैरिनेट लगभग हो चुका है। अब इसके अंदर हम हरी धनिया को ऐड कर देंगे। हरी धनिया ऐड करने के बाद अब इसको हम मटके के अंदर धीरे धीरे करके सारे चिकन मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल देंगे। एक एक करके सारे मैरिनेट किया हुआ चिकन को ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब देखिए पूरा प्याज या जितना जो कुछ है सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बची हुई जो तेल रखी थी उसको भी ऐड कर देंगे, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हल्का ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना, हल्का पानी ऐड कर लेना। ये बिल्कुल बंद बंद पकेगा तो पानी की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तब भी हल्का दे देना। अब ऊपर से हम गरम मसाला इसको ऐड कर देंगे। गरम मसाला लेके हम आटा की लेई से जो है इसको बिल्कुल लॉक कर देंगे। देखिए आटा को पहले हम मार के रख दिए थे साइड में, अब इसको चारों तरफ से बढ़िया से लॉक कर देना, जो चिकन पकने में बढ़िया आसानी है। अब एक गैस ले लेंगे, गैस के ऊपर मटके को रख लेंगे, हंडी को जो है हम धीमी आंच पे पकाएंगे। अब देखिए इसको लगभग आधा घंटा तक आपको लो फ्लेम में पकाने के बाद देखिए धीरे धीरे आपके ऊपर से ना देखिए वो आने लगा, तो इसको लगभग आप 40 से 45 मिनट पका लेना, उसके बाद देखिए क्या होगा। एकदम धीमी आंच में पकाना पड़ेगा आपको, तो चिकन धीरे धीरे पकेगा और इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए चिकन बिल्कुल देखिए पक चुका है, इसके अंदर देखिए ग्रेवी कितना बढ़िया से लग रहा है। अब ये धीरे धीरे बिल्कुल पका है, इसके अंदर चिकन जो इतनी सॉफ्ट बनती है इसके अंदर, अब जब घर पर बना के ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर, जब ऊपर की मैदा अगर हटा के ढक्कन हटा के इसको लगभग, तब भी कम से कम आपको जो है थोड़ी देर तक और पकाना पड़ेगा इसको, इसलिए क्योंकि ग्रेवी हल्का जो है आपका सूख जाए। ग्रेवी सूख जाएगा तभी बहुत बढ़िया लगेगा खाने में इसको।
अब इस फिर से इसको ढक्कन से ढक देंगे, थोड़ा हाई फ्लेम में रख देंगे इसको। देखिए चिकन में बिल्कुल बॉयल है, इसको देखिए बिल्कुल वो हो चुका है। अब इसके अंदर हम हरी धनिया को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे चिकन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, हंडी चिकन। देखिए कितना बढ़िया बॉयल आ चुका है। इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आपको कैसे बताएं। जब आप घर पे बना के ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कितना बढ़िया बनता है। फिर से हम जो है कसले से थोड़ा इसको चला देंगे, क्योंकि चारों तरफ लग ना जाए, क्योंकि नीचे से जल जाएगा तो बढ़िया अच्छा नहीं लगेगा। इस बस से हल्का हल्का आपको चला के चला देना पड़ेगा साइड से ना। अब देखिए हम लोगों का चिकन बिल्कुल लगभग तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर दिए। देखिए गैस की फ्लेम बंद करने के बाद भी देखिए कितना बढ़िया सी धीरे धीरे वो मटके इतना गर्म होती है ना, इसी बस से ये आ रहा है हंडी साइड से। देखिए देखिए देखने में कितना टेस्ट लग रहा है। ये देखिए चिकन लेग पीस, इसकी ग्रेवी भी इतनी ज़बरदस्त बनी है, आपको क्या बताया जाए। चिकन देखिए कितना लजीजी बना है, देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में इससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है हंडी चिकन। आप घर पर ज़रूर ट्राई करना, अगर घर पर आप बनाएंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना बढ़िया बनती है। हमने पहली बार बनाए थे हंडी चिकन की रेसिपी, बहुत ही बढ़िया बना है। इसके बाद भी हम हंडी चिकन की एक रेसिपी, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, देखिए देखने में कितना ज़बरदस्त है। अब इसको हम खा के ट्राई करके बताएंगे, देखिए कितना सॉफ्ट चिकन है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। अब घर पर ज़रूर ट्राई करना इसको, इस चिकन को तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और बाकी देखिए जो लेग पीस वाला चिकन है ना, वो भी बहुत टेस्टी बना है, बिल्कुल इतना सॉफ्ट चिकन है, अब जब घर पर ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए लेग पीस की जो चिकन है देखिए वो तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बना है। ऐसे बढ़िया वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बीके बंगाली ब्लेस कुकिंग।